ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और हर कार्य करने के लिए विशेषता होती थी तो हमेशा दादी रेडी रहते थे। कभी कोई कहे दादी यहाँ जाना है, हम कहते दादी वो स्थान आपके जाने के लायक नहीं, बहुत छोटा है। दादी कहती सो क्या, उसकी भावनाएं तो बड़ी है, उसकी दिल तो मुझे पूरी करनी है। नहीं, मुझे चलना है, चलो वहाँ। रिक्शा नहीं जाएगी, गलियों में पैदल जाना है। कहती थी नहीं तो क्या, चलूँगी ना मैं। तो दादी हर एक की भावनाओं की बहुत कदर करती थी, सुविधा नहीं देखती थी। यहाँ तक कि एक गांव में जाना पड़ा सेवा के लिए तो वहाँ बिस्तर भी नहीं था, तो नीचे उन्होंने फूस बिछाया और फूस बिछा करके ऊपर से चादर डाली। दादी जी सोए, कहा सो क्या, हम सुख के लिए थोड़ी आए हुए हैं, हम तो बाबा की सेवा करने के लिए आए हैं, सुख तो सतयुग में मिलेगा, यहाँ मुझे थोड़ी ना सुख लेना है। तो ऐसे करते गंगे दादी बहुत कुछ सिखाती रहती थी और बहुत प्यार से चलाती थी। हर एक बात को कहती थी भूल जाओ। मैं कभी किसी बात के लिए कहती थी दादी वो तो आपके लिए इतनी इज्जत नहीं करते हैं आप जितनी उनको इज्जत करती हैं, इतना वो आपके लिए नहीं प्यार से बोलते हैं। तो दादी कहती तो क्या हुआ, वो नहीं करते मुझे करना है, क्योंकि कोई नहीं करता उसके देख करके कारण मैं अपना संस्कार खराब कर लूं। मुझे अपना संस्कार नहीं खराब करना है, मुझे अपने कर्म श्रेष्ठ करने हैं, अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाने हैं। किसी को देख करके कि वो ऐसा नहीं करता है, नहीं। और ये कई बार प्रैक्टिकल मैंने देखा। एक बार तो एक टीचर बहन ने ही दादी को बहुत कुछ कहा, दादी चुपचाप सुनती रही कुछ नहीं बोली। जब वो बोल करके शांत हो गई तब दादी ने कहा कि बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, चलिए हम अभी फॉरेन से लौट के आए, क्योंकि बड़ी दादी कुमारका दादी ने 1990-91 में दादी को ले गए थे। तो सब ने मुझे बधाइयाँ दी, दादी जानकी ने मुझे जो है अप्रिसिएशन का लेटर दिया क्लास कराने का, और तुम मुझे ये सब चीज़ें दी, तो जैसे मैंने सबका स्वीकार किया तुम्हारे को भी थैंक्स देती हूँ। वो बेचारी इतनी शर्मा गई, इतनी शर्मसार हो गई कि खुद ही फिर माफ़ी मांगने लगी। तो कभी दादी ने किसी से नफरत नहीं किया, कुछ ने ऐसा किया तो हम ऐसा करें, वो नहीं बोलते तो क्या, दादी अपने से बोलती थी।